सो दोस्तों, आप भी ढूंढ रहे हैं प्ले स्टोर पर न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन विदाउट सिबिल स्कोर और विदाउट इनकम प्रूफ, तो इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन जिसमें आप जो है कि यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ के भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। वैसे तो प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी लोन की, बट बहुत सारी यहाँ पर जो है फ्रॉड होती है, जो नई नई आती है, तो उनमें आपको जो है कि यहाँ पर देख के निकालना पड़ता है हमें, ठीक है, उसमें अप्लाई करके देखना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन सही है या नहीं, और उसकी रिसर्च करनी पड़ती है देनी यहाँ पर जो है कि हम उसमें अप्लाई करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से हमें जो है कि 5,000 रुपये का लोन अप्रूवल में मिला है, जिसमें यहाँ पर जो है कि चार्ज वगैरह कितना लगा है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा, आप जो है कि बने रहना यहाँ पर वीडियो में। तो इस एप्लीकेशन का आपको नाम बताऊँ, उससे पहले यहाँ पर आपको जो है कि उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको जो है कि परमिशन मांगेगी, परमिशन आपको अलाउ करना है देन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,00,000 रुपये तक आप यहाँ से 15 मिनट में लोन ले सकते हैं। हेलो वेलकम आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है कि क्विक सिंपल यहाँ पर जो है कि इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा, हैसल फ्री है और कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन है, ठीक है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है प्रोसेस। आपको सिंपली यहाँ पर लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है कि आपको लोन अप्लाई पर क्लिक करना है, यानी कि अप्लाई नो पर क्लिक करना है। देन आपको जो कि यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी, तो परमिशन देने के लिए यहाँ पर आप जो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। चलो परमिशन दे के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी बता रखी है, आपको जो है कि यहाँ पर 20,000 आपकी इनकम बता रखी है, ठीक है, 20,000 से ऊपर, बट आप जो है कि यहाँ पर कितनी भी सैलरी डाल सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि सिविल स्कोर आप देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको सिविल स्कोर थोड़ा भी कम भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। अब जो है कि यहाँ पर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप या फिर कहीं भी कुछ भी आप जो है कि यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप देखेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर काम हो जाएगा। चलो जो कि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो कि सैलरी डे या सेल्फ एम्प्लॉयड हो आपको वो बताना है, देन आपको जो कि यहाँ पर सैलरी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो कि IMPS आपका बैंक में पैसा आता है वो आपको बता देना है। आपकी सैलरी कितनी आती है, आप जो कि यहाँ पर 25,000 आपकी सैलरी बता सकते हैं। देन आपको जो कि नीचे की साइड में आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर नो अवेलेबल, 50,000 के लोन के लिए आप अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कि इसको लोन लेने के लिए हम जो कि कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास में एक OTP आएगा, वो OTP आपको जो कि यहाँ पर फिल करना है। देन आपको जो कि नीचे की साइड में यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाता है। वैसे तो जैसे आप मोबाइल नंबर फिल करके OTP डालेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का आ जाएगा, तो आपको जो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं आपका फिंगरप्रिंट, तो सिंपली आप जो कि यहाँ से इस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है कि कैप्चर प्रोफाइल करने के लिए आपको जो कि यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रकार की डिटेल्स आपको देनी पड़ रही है। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ, देन मैं जो है कि इसको फिल कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है कि आपकी ईमेल ID यहाँ पर देना है, जिसमें आपको वेरिफिकेशन लिंक भी सेंड की जाएगी, तो आपको जो कि चालू आपकी वर्किंग ईमेल ID देना है। देन आपको जो है कि आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, लोन का पर्पज़ आपको बताना है, आप लोन का पर्पज़ यहाँ पर क्यों लोन लेना चाहते हैं, कोई भी पर्पज़ आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में आप आएंगे तो कम्युनिकेशन इंग्लिश आपको जो कि लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में इनसे बात करना चाहते हैं। आगे की बात रही तो यहाँ पर आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, अगर आप जो कि पॉलिटिकल फैमिली से तो आप जो कि उसको यस या नो कर देना। आगे चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप जो कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है आप यहाँ पर चूज़ कर लेना, तो आपको जो कि मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज़ करें, यानी कि आपको कोई यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं देनी होगी, आप स्टेटमेंट से भी आपका काम चला सकते हैं। फिर भी आपके सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है, तो आप जो है कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। आगे बात रही मैरिटल स्टेटस, आपको बताना आप सिंगल है या मेरिड वो आपको बताना है। आगे यहाँ पर आपको जो है कि मदर नेम आपको चूज़ करना है, आप जब का जो भी आपको मदर नेम आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन आगे आपको जो कि यहाँ पर डू यू ओन ए व्हीकल, अगर आपके पास में व्हीकल है तो आपको जो उसको चूज़ कर लेना है, आपके पास में 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप नॉन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों है। हम जो कि यहाँ पर आगे ही बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने कितनी पढ़ाई यहाँ पर कर रखी है, तो हमने जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर कर रखी है। आगे बात रही तो यहाँ पर जो है कि यूर रेजिडेंशियल एड्रेस आपको जो बताना है, तो आप जो है खुद के घर पर ले रहे हैं तो आपको खुद ओन यहाँ पर चूज़ करना है, अगर आप रेंट से ले रहे हैं तो आपको जो कि यहाँ पर नीचे वाला रेंट आपको जो कि यहाँ पर लेना है, ठीक है, तो खुद का आपको जो चूज़ कर लेना है। आगे यहाँ पर आपको जो है कि आपकी सैलरी किस बैंक में आती है वो आपको जो कि यहाँ पर चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। देन आपको जो है कि यहाँ पर आगे आई है वो रेफरल पेमेंट, आपको जो है कि यहाँ पर रेफरल कोड का आ जाएगा, तो साइड में आपको रेफरल कोड या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी रेफरल कोड मिल जाएगा, उस रेफरल कोड को यहाँ पर फिल कीजिए। देन आपको जो अप्लाई करना है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो कि यहाँ पर हाई चांसेस भी रहेगा और यहाँ पर अप्रूवल लेने का, और आपको जो कि यहाँ पर 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कि रेफरल कोड फिल कर देना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चलो सब कुछ फिल करके मैं आगे आपको दिखाता हूँ।
आगे की प्रोसेस में आपको जो है कि वहाँ पर एक सेल्फी एक देनी है। सेल्फी देने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर केवाईसी का आ जाएगा, तो आपको आपका आधार नंबर फिल करना है, देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर फिल करके देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर डिजी लॉकर से वेरीफाई भी करना होगा, तो आपका आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। चलो जो है कि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर फिल करके देन नेक्स्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पर क्लिक करके आपको जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ बतानी, देन आप वहाँ से रीसेट करके यहाँ पर नया चेंज कर सकते हैं। तो हम जो कि यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, देन नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई भी बैक बटन या रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। आप जो है कि यहाँ पर वेट करते रहेंगे तो आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर बता दी जाएगी। आगे की प्रोसेस में आपको जो है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा। तो हम जो कि आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो है कि वेरीफाई और एम्प्लॉयमेंट हमारे वेरीफाई करना होगा जो कि अभी पेंडिंग में है। तो एम्प्लॉयमेंट तो हमें यहाँ पर जो कि बता दिया हमें क्या करते हैं क्या नहीं, बट जो है कि यहाँ पर उसको वेरीफाई भी करना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो है कि वर्क मेल से आपको वेरीफाई कर देना है, उसमें आपको कोई भी सैलरी स्लिप या ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है कि यहाँ पर ये फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर आप वेरीफाई कर देना, OTP वगैरह आएगा वो वेरीफाई कर देना। अगर ये नहीं होता है तो आपको जो है कि यहाँ पर ऑफर लेटर से वेरीफाई कर देना है। आप जो है कि कहीं से भी ऑफर लेटर बनवा सकते हैं। ऑफर लेटर लेने के बाद में आपको जरूरी नहीं कि वहाँ से आपको हमेशा काम करना जरूरी है। ऑफर लेटर कहीं से भी आप जो बनवा सकते हैं किसी भी बिजनेस से। देन आपको जो है कि यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है कि पूरा फिल अच्छे से करना है। आपको ध्यान में रखना है, अगर वेरीफाई आप ईमेल से कर रहे हैं तो वेरीफाई वो भी आपको OTP देना होगा। तो देन मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। आगे आप देखेंगे कि आपको जो है कि यहाँ पर हम ऑफर लेटर अपलोड कर देते हैं। अपलोड फाइल पर क्लिक करके देन आपको जो है कि यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन करना होगा। बैंक वेरिफिकेशन आप जो है कि आपका जो भी बैंक है वो बैंक यहाँ पर चूज कर लेने देख आप देन आपको जो है कि यहाँ पर आगे आपका स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में आप जो है कि यहाँ पर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर आप जो है मैनुअल 4 मंथ का कर सकते हैं। तो हम जो है कि यहाँ पर नेट बैंकिंग से 4 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करते हैं। देन आपको जो है कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। हम जो है कि यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है। अब आपको जो है कि यहाँ पर फाइनल स्टेप बता दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर की साइड में आपकी लोन आईडी दिखा दी जाएगी। आपकी जो भी लोन आईडी वो आपको जो है कि यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको जो है कि हमने इतनी सारी प्रोसेस कर ली, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन जो हमारा वो अभी पेंडिंग में वो भी हो जाएगा। देन यहाँ पर जो है कि रेसिडेंस वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल वेरिफिकेशन हो चुका है, एमेंडेड भी हमने कर दिया। एमेंडेड आपको करना जरूरी है दोस्तों। आप ये जो एमेंडेड है वो आप डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से दोनों से कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर जो है कि हमने अभी एमेंडेड वगैरह किया था अपलोड करके, जैसे कि हमने स्टेटमेंट किया था वैसे आपको यहाँ पर करना है। देन आपको जो कि एक साइन करना है एग्रीमेंट मिलेगा वो, और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है नीचे की साइड में देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको सारी करनी होगी। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 से 2 दिन तो आपको वेट करना है यहाँ पर। अगर आपको जो है कि ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है तो नीचे मैंने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो जो कि यहाँ पर ये जब तक लोन अप्रूव होता है हम यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको एक प्रूफ यानी कि प्रूफ भी दिखा दूँ और समझा भी देता हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर लोन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको जो है कि 5,000 का लोन यहाँ पर इस एप्लीकेशन से अप्रूव हुआ था मेरे फ्रेंड को। तो यहाँ पर उसका मैं बताऊँ आपको, तो अप्रूव लोन अमाउंट हमारा जो था वो था 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते 5,000। ऑनलाइन कन्वीनियंस फीस हमारी 200 रुपये लगी थी। रिस्क असेसमेंट चार्ज 200 रुपये, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 50 रुपये, प्रोसेसिंग फीस उस पर हमारा जो है कि यहाँ पर 325 रुपये, और उस पर जो है कि इन सब पे लगने वाले फीस जो रहती है आपकी GST, उस पर जो है कि यहाँ पर 139 रुपये लगा था, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इतने सारे तो चार्ज इन्होंने ले लिए। अब यहाँ पर हमें जो दिए अकाउंट में देंगे वो देंगे 4,600 रुपये, जो कि 1,000 रुपये लगभग आपका यहाँ पर बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। अब टोटल इंटरेस्ट आपका जो है कि ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है भाई, 192 रुपये इंटरेस्ट आपका लगता है 50 दिन में, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, 0.10% पर डे आपका जो कि यहाँ पर लगेगा, बट 192 रुपये तो ठीक है, बट जो पैसे वो आपसे कमा रहे हैं वो इन सब चीज़ों से कमा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप जो है कि यहाँ पर इतना सब कुछ चार्ज वगैरह दे सकते हैं, आपको ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत है तभी आप जो है कि इसमें अप्लाई करना। उसका नाम है दोस्तों चीन में पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इसकी यहाँ पर जो है कि NBFC RBI अप्रूव्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर अबाउट दिस एप्लीकेशन में आना है, देन आपको जो है इसका पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी।